The Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर आयोजित अटल समाधि कार्यक्रम में पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके अलावा वाजपेयी की बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य, पोती निहारिका, केंद्रीय रक्षा मंत्री रामनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य लोगों ने भी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक पर प्रधानमंत्री मोदी एक पेंटिंग का अनावरण भी करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, प्यारे अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। भारत हमेशा उनकी उत्कृष्ट सेवा और हमारे राष्ट्र के प्रति प्रयासों को याद रखेगा। पीएम मोदी ने एक संदेश में कहा, यह देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता है। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊँचा किया। पार्टी नेता हो या सांसद हो, मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, अटल जी ने हर भूमिका में आदर्श स्थापित किया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 16 अगस्त सन 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वाजपेयी के निधन के बाद दिल्ली में उनके नाम पर अटल समाधि का निर्माण किया गया था, जहां सबसे पहले साल पीएम मोदी समेत अन्य नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 15 दिसंबर 1924 को हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद 3 संभाला। वाजपेयी सबसे पहले 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और उनके बाद 1998 में उन्होंने केंद्र में 13 महीनों की सरकार चलाई थी। सन 1999 में वह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और 2004 में एनडीए की हार तक इस पद पर बने रहे। उनके कार्यालय में भारत ने परमाणु परीक्षण कर यह क्षमता हासिल की। साथ ही कारगिल में हुए पाकिस्तानी घुसपैठ को रोककर भारत ने पड़ोसी देश को धूल चटाई थी। वहीं बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर शनिवार को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया। यह पहली बार है जब इस प्रसिद्ध स्थल पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। अमेरिका के अलावा भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे भारतीयों ने भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान और देशभक्ति भरे गीत गाकर मनाया। हालांकि कोविड-19 महामारी के देखते हुए उन्होंने भौतिक दूरी और मास्क पहनने के नियम का इस दौरान अनुपालन किया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, इसराइल और अन्य देशों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय मिशनों में कार्यक्रम आयोजित किए गए और वहां रह रहे हजारों भारतीयों ने तिरंगे और राष्ट्रगान के साथ पूरे उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जसपाल ने टाइम्स स्क्वायर पर झंडा फहराया। कार्यक्रम का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने किया। वहीं अगली खबर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पूरे देश को संबोधित किया। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार बच्चों को नहीं बुलाया गया, जिसकी कमी प्रधानमंत्री को भी खली। वहीं कोविड-19 के कारण अतिथियों की संख्या भी काफ़ी सीमित थी, लेकिन इस सब के बीच इस ऐतिहासिक कार्यक्रम ने कई नए मायनों में सुर्खियां बटोरी। इनमें प्रधानमंत्री का भाषण, लाल किले की सजावट और पीएम मोदी की रेंज रोवर सेंट्रल ने ग्रैंड एंट्री शामिल है। पीएम मोदी की रेंज रोवर सेंट्रल सुरक्षा और परफॉर्मेंस के मामले में दुनिया की सबसे बेहतरीन कारों में से एक है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
एयरटेल ने इंडिपेंडेंस ऑफर निकाला है जिसके तहत ग्राहकों को 1000 GB एडिशनल डेटा दिया जा रहा है। कंपनी ने यह ऑफर एयरटेल की एक्सट्रीम फाइबर होम ब्रॉडबैंड सर्विस का नया कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों के लिए निकाला है जिसके तहत उन्हें 1000 GB डेटा एडिशनल दिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि ये ऑफर सारे टॉप शहरों के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। प्लान्स की कीमत 799 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है और ये एयरटेल थैंक्स बेनिफिट्स के साथ आता है। इसमें 12 महीने के लिए अमेजोन प्राइम मेंबरशिप, एयरटेल एक्सट्रीम कंटेंट और विंक म्यूजिक एनसेंस मिलता है। एयरटेल का ये ऑफर प्रीपेड ब्रॉडबैंड प्लान्स और अनलिमिटेड डेटा ऑफर करने वाले प्लान्स में लागू नहीं होगा। साथ ही आपको बता दें कि 1000 GB एडिशनल डेटा 6 महीने की अवधि के लिए वैलिड होगा। इसमें एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस में 1 GPS तक की स्पीड मिलती है। आपको बता दें रिलायंस जियो ने भी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक खास ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को जियो FI 4G वायरलेस हॉटस्पॉट खरीदने पर 5 महीने तक के लिए फ्री डेटा और जियो टू जियो कॉलिंग मुफ्त मिलेगी। जियो FI 4G की कीमत 1999 रुपये रखी गई है। इस ऑफर को हासिल करने के लिए ग्राहकों को सबसे पहले जियो FI के लिए कोई भी एक मौजूदा प्लान लेने की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगली खबर, भारत और चीनी सेना के बीच जून में गलवान घाटी में हुई खूनी मुठभेड़ का दूरगामी असर अब दिखने लगा है। लद्दाख से लगी LAC पर चीन के आक्रामक रवैया के बाद से ही भारत सरकार लगातार व्यापार के जरिए चीन को घेरने की कोशिश में जुटी है। ताज़ा मामला चीनी कंपनियों से जुड़े आयातित उत्पादनों और पुर्जों का है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने पिछले कुछ हफ्तों में चीनी कंपनियों के मोबाइल फ़ोन के पुर्जे और TV की आयात की मंजूरी देने में देरी की है। इसके चलते Xiaomi और Oppo जैसी फर्मों को बड़ा नुकसान हो रहा है। BIS के निर्देशक प्रमोद कुमार तिवारी ने इस मामले में जवाब नहीं दिया। चीन के विदेश और वाणिज्य मंत्रालय ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वहीं Xiaomi और Oppo की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। दूसरी तरफ भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने भी इस पर कुछ नहीं कहा। एक अधिकारी ने बताया कि भारत और चीन के बीच हालिया समय में रिश्ते खराब हुए हैं। ऐसे में भारत की तरफ से चीन के किसी भी निषेध प्रस्ताव को मंजूरी मिलना काफ़ी मुश्किल है। अधिकारी ने कहा कि हम अब पहले की तरह कर रहे हैं जिसका अगस्त के अंत तक ऐलान हो सकता है। इसके जरिए चीन और बाकी देशों से आने वाले कमजोर क्वालिटी वाले उत्पादनों पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन इस बदलावों की वजह से फिलहाल चीनी कंपनियों को आयात के लिए मिलने वाली मंजूरी में अभी रुकावट आ रही है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा गया है कि प्रेशर में आकर उन्होंने हेट स्पीच से जुड़े नियम भारत पर लागू ही नहीं किए। यह दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर में किया गया है। इसके मुताबिक फेसबुक की टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव ने ही ऐसा करने से मना कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कम से कम 4 लोगों और ग्रुप्स पर हेट स्पीच रूल नहीं लगाया था। दावा किया गया है कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक डायरेक्टर अंखी दास ने कर्मचारियों से कहा था कि BJP नेताओं पर सख्त एक्शन से भारत में उनके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। यूजर्स की संख्या के हिसाब से भारत सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट है, इसलिए फेसबुक ऐसा नहीं करना चाहता था। फेसबुक के भारत में सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा करके अंखी दास ने सत्ताधारी पार्टी के साथ दिया जो पक्षपात जैसा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें BJP विधायक T. Raja Singh का नाम है जिन पर अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा को भड़काने के आरोप हैं। उनकी कुछ पोस्ट को फेसबुक स्टाफ ने गलत माना और उन्हें बैन करने का मन बनाया। कर्मचारियों का कहना था कि राजा पर फेसबुक की पॉलिसी खतरनाक व्यक्ति या संगठन के तहत बैन लगाना चाहिए, लेकिन अंखी दास के हस्तक्षेप के बाद ऐसा नहीं हुआ। वहीं अगली खबर, इस वक्त छोटे बड़े तमाम मुल्क कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। मौत के इस खतरनाक वायरस से हर तरफ हाहाकार मचा है।
एक तरफ जहां दुनिया भर के लाखों लोग कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित हैं और दूसरी तरफ देश में निजी स्कूल जहां लगातार स्कूल खोलने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ की स्कूल खोलने संबंधी रिपोर्ट एक अलग ही चेतावनी से आगाह कर रही है। खबर है कि सरकार 15 अगस्त के बाद स्कूल खोलने की घोषणा कर सकती है और आगामी सितंबर माह से बड़ी क्लास 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए देश भर में स्कूल खोले जा सकते हैं। इस बीच यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो भारत में फिलहाल स्कूल खोलना खतरनाक हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक WHO और यूनिसेफ के मुताबिक भारत के प्रति 3 स्कूलों में से केवल 1 स्कूल के पीने के पानी की व्यवस्था है। ऐसी हालत में भारत के स्कूल में COVID-19 महामारी के मद्देनजर हालत खतरनाक हो सकते हैं। गैर मतलब है कि पानी के अभाव से बार बार हाथ नहीं धोने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले की तुलना में भारत में हैंड वॉश करने की सुविधा में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन देश के कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां स्कूलों में साबुन की कमी है। सभा डेली हंट, डेली होम, द डॉन एक्सप्रेस। धन्यवाद।